एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज का हमारा 11th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग पंजाबी यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज के सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो जैसे कि आप सभी को पता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी वेटेज है एग्जामिनेशन में। आपको इस टॉपिक से आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा ये पार्ट वन होगा, और प्रीवियस सारे सेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, काफी सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है। तो आज के सेशन को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि आपको पता है 5th नवंबर के दिन ही आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। जी, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशन बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमें फाइंड आउट करना है रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है। ओके, सो एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने देखा था रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक में रिसर्च प्रोसेस साइक्लिक होता है। ओके, मीन्स जहां पर रिसर्चर अपनी रिसर्च को एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है, और उस प्रॉब्लम का रिसर्चर को कुछ सॉल्यूशन मिलता है, और उस सॉल्यूशन से रिसर्चर को अगेन एक प्रॉब्लम मिलता है, एंड अगेन रिसर्चर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जब तक उस सॉल्यूशन से रिसर्चर सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स देख रहे हो आप जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो रिसर्चर साइक्लिकल वे में परफॉर्म करते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिसर्च जनरली अ साइक्लिकल प्रोसेस। देन हियर ऑप्शन बी, फास्ट प्रोसेस। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, कुछ रिसर्च को करने में कम टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, और कुछ रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 3 to 5 years भी लग जाते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन अगेन डायगोनल प्रोसेस नहीं होता है रिसर्च में, रिसर्च इज शुड बी सिस्टमैटिक और साइक्लिकल। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, साइक्लिकल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रीजन टू रिपोर्ट योर रिसर्च रिजल्ट्स इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट्स को रिपोर्ट क्यों करता है, उसका रीजन क्या होता है। ओके, सो एज यू नो स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट्स को आर्टिकल्स, जर्नल्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, ओके, सो इन सारे वे से रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते ताकि दूसरे रिसर्चर उस रिसर्च को रिप्रोड्यूस करे और उस रिसर्च का यूज करते हुए कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करे। ओके, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, द रिसर्च इज पब्लिक सो इट कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। ओके, देन हियर ऑप्शन सी, टू गेट प्रेस, मीन्स प्रेज मीन्स हियर तारीफ। सो रिसर्च अपने तारीफ के लिए अपने रिजल्ट्स को मेंशन करते हैं, नहीं, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, टू मेक मोर मनी, अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज रिसर्चर पैसों के लिए अपने रिजल्ट को पब्लिक नहीं करते। देन हियर ऑप्शन ए, टू गेन पॉपुलैरिटी, अगेन पॉपुलर होने के लिए रिसर्च अपने रिसर्च रिजल्ट को रिपोर्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So here correct option is option D, the research is public so it can be used by others. Okay, next,
दीज आर कॉमन मिस्टेक्स इन चूजिंग और रिसर्च टॉपिक एक्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपना जब भी रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं, सो कौन सी कॉमन मिस्टेक नहीं करते। ओके, सो लेट्स सी। ऑप्शन ए, टॉपिक इज टू डिफिकल्ट। सो यस, योर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज द कॉमन मिस्टेक। ओके, जहाँ पर रिसर्चर अपने टॉपिक को, रिसर्चर को डिफिकल्ट नहीं चूज करना चाहिए। मीन्स आपको कोई टॉपिक ऐसा चूज करना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सकते हो। आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्चेबल टॉपिक होना चाहिए। अगर रिसर्चर डिफिकल्ट टॉपिक चूज करते हैं तो रिसर्चर की जो रिसर्च होगी वो अनमैनेजेबल होगी। ओके, सो रिमेंबर दिस इज द कॉमन मिस्टेक। देन हियर ऑप्शन बी, टॉपिक इज टू ब्रॉड। सो अगेन दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। देन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज रिसर्चर कभी कभी कुछ ब्रॉड टॉपिक चूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी ये एक ब्रॉड टॉपिक है। सो जब भी रिसर्चर या आपको रिसर्च करना होगा, आपको नैरो टॉपिक सिलेक्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है कि ह्यूमन ब्रेन वर्क कैसा करता है, हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क। ओके, सो दिस इज नैरो टॉपिक। देन हियर अगेन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, कीप एन ओपन माइंड। Yes, it is correct. It is not the common mistake while choosing a research topic. Because researcher को अपना mind open रखना चाहिए while choosing a topic. Because keep an open mind means के ability to consider other perspective. Okay, means आपको दूसरों की ideas, उनका concept, उनके opinions लेना चाहिए while choosing research topic. So yes, here option C is the right answer. Keep an open mind. Okay, next. The main benefits of sampling are. So students, इस question में हमें find out करना है sampling process का benefit क्या होता है. So what is sampling? Sampling means, जैसे for example के through हम समझते हैं, ये large population का जो sub part होता है. जैसे मान लो, here 1 lakh ऐसे लोग हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं। ओके, सो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख का ये जो पॉपुलेशन है, 1 लाख का सब पार्ट मींस कुछ पार्ट लेकर, सबसेट लेकर इस पार्ट पर रिसर्चर रिसर्च करेंगे। ओके, बिकॉज 1 लाख पूरे लोगों पर रिसर्च करना, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, सो अगर रिसर्चर यहाँ पर सैम्पलिंग के थ्रू अपनी रिसर्च करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, तो रिसर्च अपना टाइम सेव कर लेगा। सो यस, सैम्पलिंग जो होता है इट इज time saving process, that's why here option is correct. Then again यहाँ पर researcher 7 to 8 लोगों का अगर sample भी ले रहा है, so यहाँ पर researcher को जो cost है, it will be cheapest. Okay, यहाँ पर ज़्यादा ये पूरा जो अगर researcher पूरे 1 lakh population पर अगर study करेगा, so it will be very costly. That's why here option B is again correct. The benefit of sampling is to reduction in overall cost of research. That's why here option C is the right answer. Both A and B are the benefits of sampling. Next, DASH is a research document usually having 2 to 7 pages that informs others of a proposed piece of research. So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन से ऐसे research document होता है जहाँ पर 2 to 7 pages का वो document होता है जहाँ पर आप inform करते हो आप आपके research में क्या-क्या perform करोगे. So yes students, let's see here option C first, research article. So as you know students, यहाँ पर word use किया गया है proposed, means आप बता रहे हो research में आप क्या use करोगे, but research article में आप आपका result mention करते हो. That's why here option C is incorrect. Then here option B, essay. Essay means जो आप कोई particular topic को describe करते हो, जैसे आप school में आपके essay लिखते हो. ओके, जैसे पर्टिकुलर पर्सनालिटीज पर, कुछ टॉपिक पर, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन ए, रिसर्च प्रपोजल. यस, इट इज राइट. एज यू नो, रिसर्च प्रपोजल में आप 2 to 7 पेजेस का जो एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप आपके रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से मेथड्स, क्या क्या आपके रिसर्च में आप यूज करोगे, सो आप आपके गाइड को ये रिसर्च प्रपोजल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ कमेटी को देते हैं कि आप अगर आप रिसर्च कर रहे हो कुछ टॉपिक पर, सो आपकी रिसर्च लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, सो दैट वो लोग आपको इजीली फंड दे सकते हैं. सो यस, हियर
रिसर्च प्रपोजल 2 to 7 pages का होता है, जहाँ पर आप आपके गाइड्स को या यू कैन से कोई कम्युनिटी को आप जो भी आपके रिसर्च में कवर करोगे थिंग्स ये इन्फॉर्म करते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिसर्च प्रपोजल. नेक्स्ट, द मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आर. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने हैं रिसर्च प्रपोजल के मेन एलिमेंट्स और यू कैन से मेन फीचर्स क्या होते हैं. सो हियर ऑप्शन ई, नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट. यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज आप आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक टॉपिक को मेंशन करते हैं जिस पर आप रिसर्च करने वाले होते हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन ऑप्शन बी, बेनिफिट्स एंड बेनिफिशियर्स. अगेन हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज आप आपका रिसर्च टॉपिक ऐसा चूज करते हो जहाँ पर सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट हो और उस रिसर्च की जो एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई कर सको. सो दैट्स व्हाई हियर आपको जो रिसर्च प्रपोजल है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए, ताकि जो आपके गाइड्स है, जो कम्युनिटी आप जहाँ पर आप रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं वो आपको इजीली फंड्स दे सके. ओके, देन हियर ऑप्शन सी, टाइप्स ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड. सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. सो आप आपके रिसर्च प्रपोजल में ये भी मेंशन करते हो कि आप कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करेंगे, वेदर इट इज प्राइमरी और वेदर इट इज सेकेंडरी. ओके, सो आप अगेन रिसर्च प्रपोजल में आप सब कुछ मेंशन करते हो, आप किस मेथड से डेटा कलेक्ट करोगे, कौन से टाइप का मेथड होगा, आपका टॉपिक क्या होगा, आप आपके रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करोगे उस रिसर्च के थ्रू, और जो भी रिजल्ट आएंगे उनके थ्रू लोगों को क्या बेनिफिट्स होगा, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होगा. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, व्हेन कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट द रिसर्चर शुड. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करते हैं तो रिसर्चर को क्या करना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, रीड ऑल अवेलेबल मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट. नो स्टूडेंट्स, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज रिसर्चर जो भी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा है सो सब्जेक्ट पर यू कैन से उस टॉपिक पर लैक्स में डेटा अवेलेबल होता है. सो इतने सारे डेटा को रिसर्चर को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी इज, रीड फुल्ली ओनली दोस टेक्स्ट दैट अपीयर्स टू एग्री विद हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू. नो स्टूडेंट्स, अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बिकॉज रिसर्चर को इस ऑप्शन में हमें ये बताया गया है कि रिसर्चर को सिर्फ वही आर्टिकल्स रीड करना चाहिए जिससे वो एग्री और जिससे उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहे हैं. सो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रिसर्चर को ऐसे आर्टिकल्स भी जिससे वो पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए जिससे वो एग्री नहीं कर रहे हैं और जिससे उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे. सो उससे क्या होगा, रिसर्चर को हो सकता है कुछ न्यू आइडिया मिले कोई टॉपिक के बारे में, और उससे वो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं रिसर्चर, और यू कैन से रिसर्चर अपने मेथड्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन बी, रीड क्रिटिकली. यस स्टूडेंट्स, इट इज राइट. हियर क्रिटिकली मीन्स क्वेश्चन रेज करना. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर ने कोई आर्टिकल्स पढ़ा और रिसर्चर ने पर्टिकुलर इक्वेशन पर क्वेश्चन रेज किया कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन किस बेसिस पर रिसर्चर ने डेवलप किया है. ओके, किस बेसिस पर रिसर्चर ने प्रूव किया है, ये इक्वेशन को डेवलप करने के लिए रिसर्चर ने कौन से मेथड्स यूज किए हैं. ओके, और यू कैन से कौन से टूल्स यूज किए हैं, और ये कौन सा डेटा रिसर्चर ने इस क्वेश्चन को, और यू कैन से इस इक्वेशन को डेवलप करने में कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज किए, कहाँ से आया है. ओके, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है रिसर्चर ने. सो ये सब क्वेश्चन रिसर्चर राइज कर सकते हैं, और यू कैन से रिसर्चर ऐसा करने से रिसर्चर अपनी रिसर्च में कोई जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर गैप्स होते हैं उन गैप्स पर रिसर्चर स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो यस, हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रीड क्रिटिकली. ओके, नेक्स्ट, वी रिव्यू द रिलेवेंट लिटरेचर टू नो. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्या जानने के लिए करते हैं. सो हियर ऑप्शन ए, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक. सो यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या काम हो चुका है, क्या रिसर्च हो चुकी है. सो रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से रिसर्चर इस टॉपिक के गैप्स फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर
अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, सो रिसर्चर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. ओके, सो यस, हियर ऑप्शन इज द करेक्ट. देन ऑप्शन बी, व्हाट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक. सो यस स्टूडेंट्स, रिसर्चर इसलिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ताकि उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए क्या क्या थ्योरीज और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं. ओके, सो रिसर्चर फिर इन कॉन्सेप्ट और ये थ्योरीज का यूज करते हुए अपने टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यू कैन से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन रिसर्च देयर इज अ नीड फॉर. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है. सो आप उस डिफिकल्टीज को कैसे फेस करते हो और आपको उस डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना चाहिए. ओके, सो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है, जैसे फंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और यू कैन से आपका मेथड कुछ समय बाद आपको पता चलेगा, कुछ टाइम बाद आपको आपको पता चलेगा कि आपके मेथड जो है वो रॉन्ग है. ओके, देन आपका डेटा इनकरेक्ट हो सकता है. ओके, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं. सो आपको इन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए, सो लेट्स लुक एट ऑप्शन सी, एन इमरजेंसी सोर्स ऑफ फाइनेंस. सो नो स्टूडेंट्स, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज अगर आपके पास मनी है और आपके पास पैसा है तो ही आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, कि ये जरूरी नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, हैव अदर जॉब्स. अगेन हियर ऑप्शन डी इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट. देन ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड परसीवेरेंस. सो हियर यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आपको रिसर्च में जब भी डिफिकल्टीज आती है तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड. रिजिड नहीं होना चाहिए आपको कभी भी रिसर्च में. मीन्स आपने कुछ मेथड यूज किए और आपका मेथड आपको बाद में पता चल रहा है कि रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, आप कोई दूसरा मेथड सेलेक्ट करोगे. दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी. एंड परसीवेरेंस मीन्स आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए, आपको काम और होप नहीं लूज करनी चाहिए, आपको हिम्मत से आपको उस प्रॉब्लम को फेस करनी चाहिए. सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड परसीवेरेंस. ओके, नेक्स्ट, अ रिसर्चर प्रेजेंट्स हिज रिसर्च फाइंडिंग्स थ्रू. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को इन ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस. सो यस, इट इज करेक्ट. सो रिसर्चर कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपने रिसर्च को बताते हैं ताकि उनके आइडियाज एक्सचेंज हो सके और उनको और ज्यादा नॉलेज उनकी गेन हो सके. सो यस, हियर ऑप्शन इज करेक्ट. देन हियर ऑप्शन बी, जर्नल मैगजीन्स. एंड ऑप्शन सी, रिसर्च आर्टिकल्स. यस, हियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को जर्नल्स, मैगजीन्स और यू कैन से आर्टिकल्स में भी प्रेजेंट करते हैं. सो ताकि अदर्स कैन फाइंड और रीड अबाउट हिज रिसर्च एंड यूज इट एंड डेवलप इट फर्दर. सो यस, हियर रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट्स कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन और यू कैन से जर्नल, मैगजीन्स और आर्टिकल्स के थ्रू अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. That's why here option D is the right answer, all the above. So students, I hope the steps of research is clear to everyone. And thank you for watching this session.